हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 15 सितंबर 2022 और रेलवे ग्रुप डी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि पेपर कैसा था, रिव्यू लेते हैं। कैसा किया एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट? 90 अटेम्प्ट किए। हाँ। कौन सा जोन था आपका? मेरा चेन्नई जोन है। चेन्नई जोन। हाँ बताइए। चेन्नई का लेवल देखिए, जो टेस्ट बुक हम लोग मारते थे ना, बस वही लेवल है, ना हल्का है ना भारी है। मैथ रीजनिंग लगभग सब बन गया। एक क्वेश्चन फंसे थे। अच्छा। और करेंट है, करेंट जो दिया है ज़्यादातर है 21-22 का करेंट दिया है। 21-22 दोनों है। एक दो क्वेश्चन 21 का था और साइंस ठीक है। और ऐसा था कि मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक ऐसा सेंटर है जो कि कोई भी वहाँ पे एक अति मतलब ऑफिस है। हाँ। और वो ऑफिस किसके द्वारा चलाया जाता है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट था? मेरा 85 है। कौन सा जोन है? चेन्नई जोन है। आप लोग का भी चेन्नई जोन है? चेन्नई जोन। टाइम तो मतलब लगभग क्या था? कितना क्वेश्चन था? लगभग 80। चलिए, करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन बताइए। आपका भी था? जी हाँ, चेन्नई जोन था। कितना अटेम्प्ट था? 82। चलिए, कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बताइए। खेल से आया था क्या? ये वो पीवी सिंधु के बारे में पूछा था। वो रजत पदक नहीं जीते थे? हाँ, पीवी सिंधु वाला। मतलब बैडमिंटन में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार जो है किसके द्वारा पहली बार रिकॉर्ड बनाया गया और रजत पदक जीता गया? 2021 का था वो, लक्ष्य सेन वाला था। ये था कि किस राज्य का न्यूनतम महिला का न्यूनतम साक्षरता दर था? ऑप्शन में था राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। ये चार गो था ऑप्शन। और कोई करंट? हाँ, करेंट अफेयर और था, महाराष्ट्र का दिया हुआ था। हाँ, हमारे क्वेश्चन हमको अजीब टाइप का लगा। रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वच्छ जल का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? उसमें था उत्तर प्रदेश था, थे मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश ही होगा। यूपी था। हाँ, एक नंबर में यूपी था। एक नंबर। फिजिक्स का क्वेश्चन कैसा था? फिजिक्स का ये विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा से एक दो न्यूमेरिकल था, उसके बाद लाइट से था। लाइट से था कि पी दिया हुआ था, अब निकालना है या यू दे ले, वी दे ले, शुर दे ले, तो चुन निकालना है। यानी कि फिजिक्स में देखा जाए तो लाइट और विद्युत धारा, और हाँ, चुंबकीय क्षेत्र जो चैप्टर है 10वां का, उससे दो क्वेश्चन था। हाँ, दो क्वेश्चन मेन रूप से, दो तीन का प्रेडिक्टेबल से देखा जाए दो या तीन क्वेश्चन था लगभग। अच्छा, ये प्रिज्म से क्वेश्चन था क्या? नहीं, प्रिज्म से क्वेश्चन नहीं था। दर्पण से था क्या? हाँ, दर्पण से था। तो समझिए ना, अंक के क्वेश्चन था। हाँ, ये हुआ था। एच डैश पूछा, उसमें भी दिया था, एच दिया था, एच डैश भी दिया हुआ था, और उसमें फोकस दूरी दिया हुआ था, उसमें भी निकालने के लिए पूछ रहा था। न्यूमेरिकल दिया हुआ था, क्या न्यूमेरिकल था? घुमा के दिया था। हाँ, जिसे दर्पण में होता है ना आवर्धन जो फॉर्मूला होता है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई दिया हुआ है, वस्तु ऊंचाई दिया हुआ है, और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी दिया है, भी निकालना था, भी निकालना था। हाँ, वो आ जाता है H2/H1। वाहन में पास दर्शन के लिए साइड मिरर के रूप में मिरर नहीं पूछा उसमें कि उसका फिगर कैसा बनेगा, उसका ठीक क्या रहेगा? हाँ, साइड मिरर है। हाँ हाँ, छोटा रहेगा, वास्तविक बनेगा, इसका उल्टा उल्टा बनेगा। यानी कि फिजिक्स में बोले ना कि लाइट अच्छा देख लेगा, और विद्युत धारा ओम के नियम से, दो तीन क्वेश्चन ओम एक नियम से जा रहा। चैप्टर से पूछिए रहा ओम का नियम, ये विद्युत धारा, और इसका यहाँ पे प्रकाश पढ़ लीजिए और मैग्नेटिक पढ़ लीजिए, मैग्नेट। केमिस्ट्री में पहले प्रेडिक्टेबल नहीं दे रहा था, दो क्वेश्चन देख दे रहा, और रिएक्शन से क्वेश्चन था बहुत हल्का। रिएक्शन टोटल कितना तत्व पूरा अभी ज्ञात है? 118 टोटल है। पहले भी पूछ, हाँ आज भी पूछा है, कुछ लड़ा है उसमें, कुछ लड़ा हुआ है। पूछता प्रेडिक्टेबल ना, बायां से दाएं जाएंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, उस तरह से क्वेश्चन था। हाँ, रिएक्शन का कोई क्वेश्चन था क्या केमिस्ट्री में? नहीं था। माध्यमिका का सूत्र दिया हुआ था, तो थोड़ा सा घुरा के दिया था फॉर्मूला ना, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यम 2 गुना मार, उस पर सेटिंग करना था। 3-4 क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। हाँ, इकोनॉमिक्स से 3-4 क्वेश्चन था, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई वस्तु बनाया, उसमें रीजनिंग नहीं था भाई, इकोनॉमिक्स था। उसमें सामान वो बनाया, उसमें बाद सर्विस चार्ज और प्लस कस्टमर को जो पैसा देता, सब देने के बाद जो पैसा बचता है उसका क्या होता है, उसको क्या कहते हैं?
मतलब उसको बचत बोलिएगा कि लाभ बोलिएगा कि व्यय बोलिएगा, मतलब इसमें कंफ्यूज हो गए, बचत भी था लाभ भी था और अति हाँ जाएगा उसको पढ़ने के लिए टेस्ट करने के लिए, वो गलती है 100% मारेगा। इकोनॉमिक से क्वेश्चन था जिससे कि पब्लिक को लोन देते हैं ना, तो कुछ पैसा बैंक अपना पास रखता है, तो वो होगा SBI के थ्रू था कि RBI के थ्रू था, उसका नाम पूछ रहा था, उसका नाम क्या था? हाँ उसका नाम पूछ रहा था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ नदी था, भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलता है? भागीरथी अलकनंदा दक्षिण बता, भागीरथी अलकनंदा मिलता है ना देवप्रयाग के पास, भागीरथी में जो नदी मिलता है उस नदी का नाम क्या है जो कि 365 किलोमीटर हाँ अलकनंदा, एक दिया हुआ था एक पूछ रहा था देवप्रयाग में कौन सा मिलता है। और कुछ पर्वत से पूछ रहा था क्या से या एक गुजरात से क्वेश्चन था कि वहाँ पे सब ज्यादा क्या होता है, यूरेनियम होता है कि थोरियम होता है? हम थोरियम मारे थे, थोरियम नहीं होता है वहाँ था, पेट्रोलियम का जो अथी है ना अंकलेश्वर तेल है किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम था पेट्रोलियम था उसमें पेट्रोलियम होगा ही होगा उसका। अच्छा बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन, बायोलॉजी से उतना बायोलॉजी से क्वेश्चन था इसमें किसमें उपास्थि नहीं होता है, कंठ का हड्डी था, कान था, नाक था, किडनी था, किसमें नहीं होता? किडनी मारे थे इसमें नहीं। अच्छा रक्त से कोई क्वेश्चन, एगो पर्वत था पर्वत जी उड़ीसा में कौन सा समुद्र थी के उड़ीसा में कितना आइटम है आपका? मेरा 83 चेन्नई। अच्छा इतिहास से कोई क्वेश्चन, इतिहास से वो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किए थे? राजा राममोहन राय जी किया था। और कोई क्वेश्चन इतिहास से आया था क्या? इतिहास से क्वेश्चन पर्वत वाला बोले ना कि उड़ीसा का कौन सा पर्व है जो कि समुद्र किनारे में धूमधाम से मनाया जाता है? कौन सी पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? हाँ पॉलिटी से था कि ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ था 242 का BC दिया हुआ था, ऐसे दिया 243 200 ऐसे करके ग्राम सभा के बारे में पूछ रहा था। और कोई पॉलिटी से क्वेश्चन था? हाँ तो पॉलिटी था। क्या आप लोग का बेटा? हाँ करेंट अफेयर से 77। कौन सा जोन है आपका? चंडीगढ़। अच्छा बताइए कोई क्वेश्चन याद है तो। वो था क्या एक इंजीनियरिंग और साइंस में 2022 में किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है और राष्ट्रीय जल राज्य में था किस राज्य को मिला राष्ट्रीय जल में स्वच्छ में ये पूछा गया था। बताइए कुछ ज्योग्राफी से या फिर इतिहास से? उतना क्वेश्चन इतिहास से क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन सर, ज़्यादा कोई हार्ड वुड है नहीं, लड़का खाली मानसिक स्थिति चेक करा कि लड़का क्या है, खाली घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ज़्यादा भारी नहीं, हमको भी लग रहा था आने के बाद पहले कि क्या होगा कैसा पूछेगा, मगर देखे तो कोई बड़ा भारी नहीं था, हल्के थोड़ा नॉर्मल था। मैथ बताइए मैथ कैसा था? मैथ तो इजी था, मैथ बहुत इजी था, लाभवानी को पूछा था और ब्याज दिया हुआ था और समय दर दिया हुआ था उसका मूलधन पूछ रहा था। मैच वाला क्या बोलते हैं सर्किल वाला क्वेश्चन ज़्यादा आया था, मतलब तीन को डिस्काउंट दिया हुआ था, अंकित मूल दिया हुआ था उसका विक्रय मूल पूछ रहा था। हाँ 800 रुपये वस्तु MP मार्क प्राइस था 800 रुपया, उसमें 20% और 10% और 5% का नहीं चाहिए थी, तीन को दिया उसके बाद फिर भी उस पर 50% का वो प्रॉफिट कमाया और वही वस्तु को 60% प्रॉफिट लेने के लिए कितना में बेचा जाए, बस इसी में थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, मैनेज नहीं हो पाया। 5000 से मात्र एक क्वेश्चन था, 5000 से बहुत हल्का था, त्रिकोणमिति से लगभग एक क्वेश्चन था। त्रिकोणमिति से क्या था साइन थीटा क्वेश्चन? बस था कि देखिए उसको क्वेश्चन याद है, 4 sin² θ = 1 तो cos² θ + tan² θ इसी का मान निकालना था। हाँ तो उसका था ये हो गया 13/12 आंसर आया, 4 sin²θ = 1/4 आ गया, sin θ = 1/2θ = 30° आ गया और 30° वहाँ से निकाले अति कोटा और साइन 10 था और साइन था। अच्छा LCM SCF से आया था क्या? ना ना नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन? विभाजता 11 से भाग देने के लिए आया था, 11 से भाग देना था और एक था 6 और 22 ये अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या था उसमें 22 का वैल्यू बोल रहा था कि 20 से कम है इसमें उसका वैल्यू पूछ रहा 22 क्या हो सकता है। और SICI से क्वेश्चन था एक था बस उसमें था 3000 ब्याज है और 6% रेट है और 4 साल में इसका मूलधन क्या होगा। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या क्वेश्चन आया था? प्रॉफिट एंड लॉस से बस वही पाई चार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं उतना था, पाई चार्ट से पूछा था औसत पूछा था बस परसेंटेज से था क्या?
एक था कि 200 का थी 5% बढ़ा देंगे और 200 का फिर 15% घटा देंगे, दोनों संख्या क्या होगा? हाँ, परसेंटेज में था ये। टाइम एंड वर्क से था क्या कुछ? था कि ये काम करता है 24 दिन में, बी करता है 48 दिन में, सी करता है 12 दिन में, तो तीनों मिलकर कितना काम करेगा? एक क्वेश्चन था, क्या नहीं पाइप एंड टंकी क्वेश्चन नहीं था, पाइप एंड टंकी क्वेश्चन तो नहीं था। और किसी आया था मैथ में? मैथ में देखिए, जो बारे में पूछ रहा था कि इसमें क्या संतुलन होगा, कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, बोल रहा था एक त्रिज्या रेखा पी जो है और एल एम को इस प्रकार काटता है कि उसका अंतः कोण विभाजन जो है ना, उससे जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा रहेगा, वर्ग रहेगा कि आयत रहेगा, कि तो उसका आयत होगा। आयतन और क्षेत्रफल से कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग जैसा माहौल बता रहा है कि ऐसा पूछ रहा है, वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पूछ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल उतना भी देखने में बड़ा लगा है सर, सिर्फ अथी रहता है कॉन्सेप्ट पर, सिर्फ बड़ा रहता है और तुरंत बन जाता है वैसा। रीजनिंग में क्या चीज लगा जो टाइम ज्यादा लग रहा था? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। अगर क्वेश्चन का अगर देखा जाए क्या पूछ रहा है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग है ना, उसका वेटेज दिया हुआ है और बस सीरीज है, दो तीन हल्के क्वेश्चन था, सीरीज का भी था, मिसिंग नंबर उसी पे नंबर करके दे दिया था। और पजल में आज लगता है एक ही मंजिल का क्वेश्चन था, मंजिल वह 7 था, आदमी बैठाना था और 2 जनवरी वाला करके, हाँ 2 और सीटिंग अरेंजमेंट 3000 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट वाला 5 का था, 5 आदमी बैठाना था, एक में वर्ग वाला था, 8 बैठाना था, सबका मुँह अंदर की ओर है, बाहर रहता दिक्कत होता है, सबका मुँह अंदर की ओर था, सब सिंपल था, एकदम लॉजिकल रीजनिंग। कथन और तर्क से मांग एक क्वेश्चन था, कथन तर्क से था, अच्छा एक तर्क से एक था, ईजी था या फिर नॉर्मल था? नॉर्मल था कि हाँ क्वेश्चन था कि स्कूल में बच्चा को डिसिप्लिन देना है, तो बोला कि स्कूल में मतलब जब से बच्चा स्कूल जाएगा ना तब से उसको डिसिप्लिन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 था, एक बच्चा वाला को मतलब कि अपना मन से डिसिप्लिन मानेगा, एक था कि 7 ज़्यादा होगा तब डिसिप्लिन मानेगा, तो दोनों गलत था, अपना दिमाग उसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, वो तो गलत वैसी हो गया, स्कूल के बारे में पूछ रहा था 7 वही गलत हो गया। और दूसरा पूछ रहा था कि नहीं अपने से अनुसार, जहाँ स्कूल के द्वारा बोल रहा है वो अपने से बोल दिया, तो भी गलत हो गया, दोनों कथन गलत था। और सिलेबस में जो था कुछ वाला, हाँ तो वो भी था कि तीन तीन चार चार को मिला कर दे दिया, कथन ना होता है, कथन दे दिया 4 उसके बाद बना, वो 3-4 क्वेश्चन लगभग था, हाँ 3-4 क्वेश्चन था। अच्छा ब्लड रिलेशन से था क्या? नहीं ब्लड रिलेशन नहीं थी वाला था, क्या बोलते हैं, पहले था डायरेक्शन से था, डायरेक्शन से था ब्लड डायरेक्शन, कंफ्यूज है उसमें जो, अच्छा ए से क्वेश्चन था क्या? 70 डिग्री जो घुमाते हैं तो पश्चिम आ रहा, उसके बाद 2 किलोमीटर चला रहा था, अरे बराबर चल गया ना, उतने चल गया। अच्छा ए से क्वेश्चन था क्या? ऐसे 2 क्वेश्चन था, हाँ वो भी सिंपल सा था, वर्तमान नहीं 2 नहीं 3 था, वर्तमान का रेशियो दिया था, तीनों हल्के 5 बाद इतना रेशियो हो जाता है, तो इसका एक मान बताना था, हार्ड नहीं नॉर्मल था। क्या चीज मतलब आप क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? मतलब इकोनॉमिक मिक्स का जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेना, हाँ मतलब हार्ड था इसमें, नहीं नॉर्मल ही था, नॉर्मल था जो ना, जैसे कि वो एक मुंबई वाला पूछ दिया, वो कोई अथी ऑफिस का है और वो ऑफिस किसके द्वारा, कौन सा संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, हाँ ऐसे पूछ दिया, चलिए ठीक है। और कुछ नहीं, ऐसे माहौल जो बोल रहा है ना, इसे पजल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वैसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है। तो दोस्तों 15 सितंबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ, हमने रिव्यू लेने की कोशिश की, उम्मीद है कि ये आपको फ़ायदेमंद रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।